नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नमकीन के बिजनेस के बारे में। दोस्तों किस तरह से घर पे आप नमकीन का बिजनेस अपने हाथों से बना करके शुरू कर सकते हैं और दोस्तों पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिएगा। हमारा एक ब्लॉगिंग चैनल जो बीके पुराना, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस चैनल पर जाकर भी वीडियो देखकर चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो लाइक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों नमकीन का बिजनेस किस तरह से आप कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, कितनी लागत लगेगी। दोस्तों ये वीडियो मैं शॉर्ट में आपको बताने वाला हूँ, फिर भी मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर नमकीन का अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, तो आपको अगर हाथों से अगर इसका बिजनेस करना है, घर पे इसका बिजनेस छोटे स्तर पे, बहुत मतलब छोटे स्तर पे करना है, तो लगभग 50,000 रुपये की आवश्यकता होती है और 50,000 रुपये में शुरू किया जा सकता है। और इसी बिजनेस को आपको बड़े स्तर पे शुरू करना है तो दोस्तों आपसे 2 से 5 लाख रुपए तक की आवश्यकता होती है, जिसमें आपका मशीन वगैरह भी उसमें लगता है। और मतलब बड़े स्तर पे कहने के तात्पर्य इस मतलब फैक्ट्री नहीं, मतलब थोड़ा और मतलब ज़्यादा पूंजी लगा के अगर आपको शुरू करना है तो लगभग 5 लाख रुपए की आवश्यकता होती है। लेकिन छोटे स्तर की हम बात करते हैं, क्योंकि गांव में रहते हैं तो छोटे स्तर पे इस बिजनेस को कैसे किया जा सकता है उसी के बारे में हम जानते हैं। दोस्तों मैंने आपको लागत के बारे में बताया कि अगर आप हाथों से बना करके बिजनेस करना चाहते हैं नमकीन का, तो दोस्तों आपको लगभग 50,000 रुपए की आवश्यकता है, जिसमें जो उसका रॉ मटेरियल होगा उसका खर्च होगा। लेकिन दोस्तों अगर छोटे स्तर पे ही अगर आप उस बिजनेस को मशीनों के द्वारा करना चाहते हैं तो लगभग 2 लाख से लेकर के 3 लाख 4 लाख या 5 लाख रुपए की आवश्यकता होती है। अगर इसका मान लीजिए फैक्ट्री अगर आप बैठाना चाहते हैं तो इसमें आपको उससे भी ज़्यादा पैसे की जरूरत होती है, जिसमें लाइसेंस की भी जरूरत पड़ती है। लेकिन दोस्तों छोटे स्तर का बात करते हुए हम आपको बताएंगे इसमें कितना कमाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको बनाना नहीं आता तो आप इसका होलसेल बिजनेस भी कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि इसका होलसेल रेट में खरीद करके इसको होलसेल रेट में ही बेच सकते हैं और आसानी से बैठे बैठे कमाई कर सकते हैं। आपको ज़्यादा टेंशन भी नहीं रहेगी और आपका माल भी आसानी से बिक जाएगा। फिर भी इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको लाखों रुपए की आवश्यकता होती है, जिससे आप इस बिजनेस को होलसेल की तरह मतलब सीधा फैक्ट्री से माल खरीद करके आप उसको होलसेल रेट में बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों फुटकर बिजनेस भी इसका होता है, फुटकर बिजनेस भी करके कमाई किया जा सकता है। अगर आपको बनाना नहीं आता तो होलसेल दुकान से खरीद करके आप इसको फुटकर में बेचकर कमाई कर सकते हैं। दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों फुटकर बिजनेस करके अगर खरीद कर अगर आप फुटकर बिजनेस करना करते हैं तो निश्चित तौर पे 300 से लेकर 400-500 रुपए मतलब आपके बेचने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना कमाई कर सकते हैं। ये बहुत होगी छोटी पूंजी की फुटकर बिजनेस के बारे में बात। वहीं दोस्तों अगर आप इसका होलसेल बिजनेस करते हैं तो लगभग जितना आप माल बेचते हैं होलसेल रेट में, उसमें आपको 3 से 5% तक की कमाई हो सकती है। लेकिन दोस्तों अगर इसको आप बना करके अगर आप बेचते हैं तो निश्चित तौर पे आपको 10 से 15% कमाई कर सकते हैं। और दोस्तों एक बात और है कि बना कर बेचते हैं तो वो एक तरह से आप खुद भी चाहें तो बना करके होलसेल रेट में पैक कर करके फुटकर जो बेचते हैं उन लोगों को बेच सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।